आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12th, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है 3D के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, सो दैट द थ्री लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस दिस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे तीन लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों का दिया हुआ है, और ये सिद्ध करना है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि अगर ये एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, तो ये तीनों जो लाइन है इसके बीच का एंगल मेरा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यही हम लोगों को यहाँ पर शो करना है इस क्वेश्चन में। तो किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, एल एम और एन से। तो यहाँ पे तीन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, तो तीनों को मान लेते हैं, एल वन लाइन है तो इसको मान लेते हैं एल वन इक्वल टू 12/13, एम वन इक्वल टू -3/13, एन वन इक्वल टू -4/13। एल टू लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस मान लेते हैं, एल टू है 4/13, एम टू है 12/13, एन टू है 3/13। एल थ्री जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, एल थ्री है मेरा 3/13, एम थ्री है -4/13, एन थ्री है 12/13। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थ्री लाइंस। अब एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर कब होता है, उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या है, एल वन डायरेक्शन कोसाइंस एल वन एल टू +M1 M2 + N1 N2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज़ अगर हम तीनों के लिए दिखा देते हैं तो क्या होगा, मेरा तीनों लाइन एक दूसरे के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं L1 L2 M1 M2 और N1 N3। नाउ कंडीशन क्या है मेरा, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 इक्वल टू मेरा 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं लाइन के लिए, L1 L2 के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, L1 एंड L2 लाइन के लिए क्या हो जाएगा, L1 L2 मेरा क्या है, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। L1 L2 L1 12/13, L2 4/13 + M1 -3/13 इंटू 12/13 + N1 -4/13 N2 है 3/13। ये हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48/13 इंटू 13, ये दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 36/13 इंटू 13 -12/13 इंटू 13। ये हो गया इक्वल टू 48/13 इंटू 13 -48/13 इंटू 13। ये हो गया, कट के हो गया 0। तो L1 L2 + M1 M2 + N1 N1 N2 मेरा क्या आ गया, 0 हो गया। यानी L1 नाउ L2 L L L2 एंड L3 L3 लाइन L2 एंड L3 के लिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, L2 L3 + M2 M3 + N2 N3 क्या हो जाएगा, L2 4/13 इंटू L3 3/13 + M2 12/13 M3 -4/13 + N2 3/13 इंटू 12/13। ये हो गया, तो ये क्या हो गया, 12/13 इंटू 13 -48/13 इंटू 13 +36/13 इंटू 13। ये क्या हो जाएगा, 36 48 अपॉन
थर्टीन इंटू थर्टीन माइनस 48 अपॉन 13 इंटू थर्टीन, ये दोनों कट के क्या हो गया जीरो। तो दूसरा के लिए भी मेरा क्या आ गया जीरो, एल टू एल थ्री प्लस एम टू एम थ्री प्लस एन टू एन थ्री इक्वल टू जीरो, यानी ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन और ये लाइन का दिखाना है, एल वन एंड एल थ्री का। आओ एल वन एंड एल थ्री के लिए क्या हो जाएगा, एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन थ्री क्या हो जाएगा, एल वन मेरा क्या है 12 अपॉन 13 इंटू 3 अपॉन 13 प्लस माइनस 3 अपॉन 13 इंटू माइनस 4 अपॉन 13 प्लस माइनस 4 अपॉन 13 इंटू एन थ्री 12 अपॉन 13 क्या हो गया 36 अपॉन 13 इंटू 13 प्लस 12 अपॉन 13 इंटू 13 माइनस 48 अपॉन 13 इंटू 13 ये भी क्या हो जाएगा 48 अपॉन 13 इंटू 13 माइनस 48 अपॉन 13 इंटू 13 ये कट के क्या हो जाएगा जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो। सिंस एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल टू एल टू एल थ्री प्लस एम टू एम थ्री एम टू एम थ्री प्लस एन टू एन थ्री इक्वल टू एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन एन थ्री इक्वल टू जीरो। हेंस हेंस क्या हो जाएगा, लाइन्स आर लाइन्स आर वली परपेंडिकुलर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।